नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से रिलेटेड। जी हाँ भाई, यूएई का जो लेबर लॉ मान सकते हैं या लॉ एंड ऑर्डर मान सकते हैं, इतना सख्त है कि वहाँ पे हर इंसान को न्याय मिल जाता है, तुरंत प्रभाव से मिल जाता है। हालांकि इंडिया में जस्ट विपरीत है यूएई से रिलेटेड। हालांकि यूएई मैं तो बताऊँ कि बहुत ही अच्छा है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन सबको पता ही। हालांकि कुछ अपवाद के तौर पर आ जाते हैं। कल एक बंदा कमेंट कर रहा था, बोले यूएई तो चोर है भाई, उसको पूछे कि यूएई के राजा ने आपका क्या चुरा लिया। लेकिन चलो उनको छोड़िए, आज हम बात करेंगे यूएई में। बता दूं एक घटना घटी थी, आप लोगों को भी अगर यूएई में रहते हैं तो भाई पता होना चाहिए। जस्ट आपको नॉलेज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि बता दूं यूएई में पत्नी ने पति को धोखा दिया। जी हाँ, और मामला चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने सीधा सीधा पत्नी को जुर्माना सुना दिया। मैटर क्या था पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीए में बता दूं रासालाल खेमा, वहां पे एक स्टेट का नाम है, आप सबको पता है, वहां का ये मैटर है। पति पत्नी दोनों रह रहे थे, आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो पत्नी ने क्या किया, पति का घर यानी अपना जो ससुराल जिसको बोल सकते हैं, वो छोड़ के दूसरे घर में रहने को चली गई। हालांकि पति माइंडेड था, उसने दिमाग से उसको कुछ बोला नहीं, रोका टोका नहीं कि भाई तू ये घर छोड़ के दूसरे घर में रहने के लिए क्यों गई है। जी हाँ, उसने दिमाग से काम में लेते हुए पत्नी को बिना कुछ बोले हुए उस पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि उसको कुछ डाउट था। डाउट इसलिए था कि यार नॉर्मल अगर आपस में बात हो जाती है, पत्नी घर छोड़ के दूसरे घर में अकेली रहने के लिए कैसे जा सकती है। मायके अपने इंडिया में क्या होता है, पत्नी लड़के मायके चली जाती है, चल जाता है, चलो वो एक नेचुरल सी बात है। पत्नी लड़के दूसरे घर में अकेली रहने चली जाए तो थोड़ा सा मामला सोचने लायक बन जाता है। तो उसने क्या किया, उस पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया। तो उसको फिर डाउट हुआ कि वो किसी गैर मर्द के साथ में उस घर में रह रही थी। पत्नी ने ये सोचा भी नहीं था कि हम पति हमारा इतना मतलब पीछे से इतना ट्रेक करेगा। जी हाँ, उसने उसको ट्रेक कर लिया। तो उसने बता दूं, उसने उनको कुछ नहीं बोला, वो दिमाग उसने तेज लगाया कि अगर वो जाके वहां बोलता तो माता बच्ची होती, उसमें कोई सेंस नहीं निकलता, कानूनी उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाता। तो उसने क्या किया कि आरए के पुलिस होती है जो इसी तरह के मामले देखती है, उसने उनको शिकायत कर दी और उनके साथ में पति को उसकी पत्नी को गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया उस रूम दूसरे मकान के अंदर। जी हाँ, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो भाई पुलिस केस तो होना ही था, मामला कोर्ट में चला गया। जी हाँ, हालांकि कोर्ट में ये दावा किया गया पति की तरफ से कि उस मेरी पत्नी के उसके साथ अवैध संबंध थे। पत्नी ने हालांकि कौन हाँ करता भाई, पत्नी ने मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन था कैसे नहीं, एक शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ के दूसरे घर में किसी गैर मर्द के साथ में पकड़ी जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, सोचने की बात है, बताने की जरूरत ही नहीं होती है। इतना तो कोर्ट ऑफ लॉ भी तो समझता है ना, जो वहां पे जज बैठे होते हैं वो मेंटल तो पागल तो नहीं होते, उन्होंने भी कानून पढ़ा है। तो ये सक्के दायरे में आ गई, निचले वाले कोर्ट में भी यही उन्होंने बयान दिया, फिर मैटर चला गया बड़े वाले कोर्ट में, ऊपर वाले कोर्ट में। बड़े वाले कोर्ट में भी पत्नी ने यही बोला कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने उनके फैसले को सुनते हुए पत्नी को दोषी माना गया। जी हाँ, उसकी बता दूं नैतिक क्षतिपूर्ति के तौर पर 5,000 दराम का उनके ऊपर जुर्माना लगाया, प्लस 30,000 दुबई दराम का जुर्माना और लगाया, 15,000 रुपये पत्नी पे और 15,000 रुपये जो उसका फ्रेंड था जिनको बोल सकते हैं गैर मर्द, जिसके उसके ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया, 35,000 दुबई दराम का जुर्माना लगाया पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड मान सकते हैं उनके ऊपर। जी हाँ, पति को देने के लिए। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, उसको दोषी पाया गया, हालांकि उसने कबूल नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने उनको दोषी मान लिया और ये जुर्माना उनको देने के लिए बोला गया। हालांकि आगे की बात हमारे पास नहीं पहुंची कि पत्नी उनके साथ रहने को गई या उनका अलग होगा, क्या मैटर होगा, वो हमारे पास न्यूज नहीं है। बस ये न्यूज थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।